एक मजदूर आदमी तसला लेकर जा रहा, उसे मिल गए वीडियो वाले, अब तेरा क्या मसला? मसला नहीं मेरे पास तसला, उन्होंने कहा। फिर बताओ एक गरीब आदमी के लिए क्या रोजगार है पहले बताओ? मोदी को जिताना हमारा काम है जी, कह रहे हैं सबको सम्मान, सबको रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार? 24 में चुनाव जीत गए, अगर जीत गए ना तो आप कभी हाँ नहीं आने, बड़ा देख लो घर जाकर डिमक ना खा लिया सर। प्रधान खाएंगे भी फले, मतलब अलग वो सब प्रधान पी गए। आप ये बताओ एक मान लो एक फले इसके कितने पैसे आ रहे थे बताओ? 12,000 आ रहे थे। 8,000 कौन खा रहा? ये तो भ्रष्टाचार, लोगों की लैटरिंग भी खाए गए। हाँ प्रधान खाए गए लोगों की लैटरिंग भी। और एक बात बताओ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये, कहीं लिखवा कहीं चलो। एक फले कर दिए, स्लेब कैसे रख दिए, पैर रखकर झोटे में रख दिए। 24 का चुनाव नजदीक है, क्या नजदीक है? चुनाव होगा तो कहीं मर पर रुक रहा। एक तरफ गठबंधन बन गया, मोदी जी हैं, तो क्या देख रहे हैं भाई? एक तरफ केला खड़ा, एक तरफ 10 मेरे इकट्ठे, 10 तो जीतेंगे ही, गठबंधन जीतेगा। हाँ मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार जो है फिर एक बार भाजपा सरकार बनाएगी ना जी, वो खा काम, अगर धोखे पट्टी तो ही कर ला काम, दूसरा नहीं हो सकते बड़े जी, क्यों 10 भाई को और एक भाई को तो फर्क हो। मोदी जी जो 9.5 वर्ष हो गए उनके, वो कैसे लगे? अब बढ़िया लगे, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ठीक है। बदली तो होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए बस। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और तमाम योजनाएं चला रहे हैं, चाहे मुफ्त राशन हो, सिलेंडर हो, बदली तो होनी चाहिए 5-7 साल में। हाँ सहारनपुर में बताइए, एक तरफ भाजपा से राघव लखनपाल तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन से इमरान मसूद और फिर हाजी फजलुर रहमान है जो कि सांसद है। हाँ जी ये तो सारे ही होंगे, बस देख रहे हैं जितना का तो एक ही खड़े तो सभी होंगे। सहारनपुर में किसको देख रहे हैं मजबूत, गठबंधन से इमरान मसूद है? बस जो भी गठबंधन तो होगा वही मजबूत होगा गठबंधन से। हाँ जो केला केला होगा वो नहीं चलने का। तो सांसद जी के 5 वर्ष कैसे लगे हाजी फजलुर रहमान? बढ़िया राज भी, जो बात है बढ़िया राज, बढ़िया बढ़िया काम हुआ है, बढ़िया काम कर रहा है, जो बात है बेचारे ने। आगे सांसद जी को मौका दोगे? हाँ उसे मौका तो उसे मिलेगा, अभी कहीं फिर मिलेगा, बदलाव तो होना चाहिए 5 साल और रह लिया, 5 साल और कोई भी देख ले रहेगा। मायावती अगर गठबंधन में आ जाती फिर तो सांसद ही होते, फिर तो हमें उसका इमरान का टिकट नहीं होता। तो अकेले चुनाव, वो तो अकेले लड़ रही ना चुनाव, अब बात तो होगी ना, इसलिए हमें हमारी तो मजबूरी है। देखो आपको लगता है गठबंधन में आना चाहिए था बहन जी को? हाँ 100% ओवैसी को भी गठबंधन में आना चाहिए था, मायावती को भी गठबंधन। तीसरे मोर्चे की भी तैयारी है, ओवैसी साहब और मायावती दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी अटकलें चल रही चल रही हो, लेकिन इनकी साथ ही आना चाहिए था ना, इनके साथ कामयाब, अकेले कामयाब नहीं होंगे, इनके साथ आके मजा बढ़िया हो जाता है साहब। अब रही बात राशन की, उसकी ये तो देखो कांग्रेस के टाइम तो मिलता रहा राशन तो, और भाई ये जो भेदभाव है हिंदू मुसलमान, ये तो मान लो जो सरकार है उसके तो सब बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जैसे एक बाप के 4 बच्चे हैं तो एक को थोड़े भाई 3 को राशन दे जाए एक को नहीं देने का, ऐसा तो नहीं है, वो तो सबके जो योजना होगी तो सबके लिए आवेगी, लेकिन भेदभाव जो है वो ज़्यादा हो गया। भेदभाव वाली जो बात आती है वो कहते हैं कि भाई हम जो योजनाएँ चला रहे हैं तो सबके लिए है, मुफ्त राशन हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख बौद्ध पारसी तमाम जाति धर्म के जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए उसको वो लाभ उठाते हैं। इस NRC की कहाँ से जरूरत पड़ेगी RCA की, जब वो सबके साथ सबका साथ है, सबके साथ विकास कर रहे हैं तो इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? ये तो गरीब आदमी के लिए है, आदिवासी है, उसमें हरिजन है, हम हैं, मुसलमान है, सबके लिए है। ये जो कानून काट रहे हैं NRC और ये CIA क्यों काट रहे हैं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। कितने दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हुआ है, पब्लिक तो सब खा ही रही रोटी, अपने कमा रहे खा रहे, क्या ये अभी एक बात बताओ अगर 5 किलो अनाज मिल गया तो मेरे से धनिया वो तो नहीं दे रहे हैं, ना तेल दे रहे इसमें डालने को, भाई कमाना तो फिर भी पड़ेगा। मुफ्त राशन दे दिया मोदी जी ने पूरे कोरोना काल में, 5 किलो राशन 1 महीने में दे दिया, 5 किलो राशन कितने का? अगर आप 22 रुपये लगाओगे 110 रुपये का, क्या 110 रुपये में गुजारा कर लगा आदमी 1 महीने में? मुफ्त सिलेंडर भी है और हर घर जल योजना। सिलेंडर जो है भाई साहब, सिलेंडर तो 9 अभी 1050 का भरवा रहे थे, क्या रुपए कम करे इसमें? कांग्रेस के टाइम में 450 रुपये का सिलेंडर था, शौचालय दे दिया, तमाम ऐसी योजनाएं भाई, जितने जो भी शौचालय दिए वो सब प्रधान खाए गए, लैटरिंग भी फले, मतलब लैटरिंग भी खाए गए फले सत रही अलग, वो सब प्रधान पी गए। आप ये बताओ एक मान लो एक फले इसके कितने पैसे आ रहे थे बताओ आप? 12,000 रुपये के, 12,000 आ रहे थे, रुपए कितने लग रहे आगे? 4,000,
8000 कहाँ जा रहे भाई, 8000 कौन खा रहा? ये तो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार। लोगों की लैटरिंग भी खाए गए प्रधान। हाँ प्रधान खाए गए लोगों की लैटरिंग भी। और एक बात बताओ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप है ये, कहीं लिखवा कहीं चलो, एक फ्लैस मुझे कामयाब बता दो आप। अगर एक फ्लैस में भी आप कहीं दिखा दो कि इसमें लोटा रखा पानी का, अगर इसमें लोटा रखा और 2 फुट का खड्डा थोड़ा ही हो, और पिल्ली इंटा चिन के ऊपर स्लेब रख दिए, स्लेब कैसे रख दिए? पैर अगर झोटे ने रख दिया ना नीचे गया। अरे मेरी बात तो सुन लो जी, हमारा फ्लैश बने हुए ब्लॉक चालू नहीं है, जो कि तू खड़ी हुआ दरवाजा भी जहाँ ना जड़ गए नहीं, दरवाजा तो लग गया। अरे मोदी जी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, तो योजना कह के लिए चले जब काम मुफ्त राशन सिलेंडर शौचालय बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया, जो तू खड़ा देख लो घर जाकर डिमक ना खा लिया उसे दरवाजे को, बताओ डिमक ने खा लिया? जर तो बता नहीं सकते, डिम्मक ही बता सकते। 12000 रुपए का बजट था, 12000 रुपए भेजे थे मोदी जी। मोदी जी ने 12000 भेजे, इंटर तो पिल्ली लग रही में वहाँ से है, कहाँ गए में 12000 एक फ्लैश के, कम नहीं बैठते 12000। मुफ्त सिलेंडर मिला है, मुफ्त राशन मिल रहा है। एक बार मुफ्त राशन मिल गया ठीक, तो उससे क्या हो रहा, जनता से ले रहा है वो, बताओ यूपी का एक महीना का। कोरोना काल में भी सरकार साथ खड़ी रही है हर गरीब के, हर गरीब के, एक एक गरीब के घर में तो खाने को भी नहीं था, बताओ। तो 24 में क्या देख रहे हैं इस बार, मोदी जी आएंगे? चुनाव आ गए नजदीक, अगर मोदी जी जीत भी गए तो हमारे लिए क्या करेंगे वो, ये तो बताओ पहले। तो कौन करेगा फिर बताओ, कौन करेगा फिर? गठबंधन करेगा। गठबंधन बताओ, तो गठबंधन से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा? चेहरा तो जहाँ अच्छा वो लगता है, जो सबका काम करता है अच्छा। तो कह रहे हैं गठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है, इवन उन्होंने 12000 रुपए दिए एक फ्लैश के, हैं मैं कहूँ मेरे हिसाब तो 12 रुपए की भी नहीं आया हुआ। बताओ ये ऐसी चीज का फायदा हुआ क्या? तो मोदी जी से नाराज है? बहुत नाराज नहीं है, बहुत खुश है हम। शौचालय बनवाए और वो भी ऐसा बनवाए कहना देखो बस बैठो ना उसमें, बताओ खाली देखते रहो, खाली देखते रहो, बताओ और क्या करे, ये गलत कह रहा। सही 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 सही, ये एक मजदूरी आदमी तो असला लेकर जा रहा, उसे मिल गए वीडियो वाले, अब तेरा क्या मसला? मसला नहीं मेरे पास तसला, उन्होंने कहा फिर बताओ। एक गरीबी आदमी के लिए क्या रोजगार है पहले बताओ, मोदी को जिताना का हमारा काम है जी। कह रहे हैं सबको सम्मान, सबको रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार में 24 में चुनाव जीत गए तो? अगर जीत गए ना तो आप कभी यहाँ नहीं आने के, फिर जब टाइम पूरा हो जाएगा ना जी भाओगे आप।